A box contains 15 green and 10 yellow balls. If 10 balls are randomly drawn one by one with replacement, then the variance of the number of green balls drawn is. तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जो वेरियंस का एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है वेरियंस इज इक्वल टू व्हाट एन इनटू पी इनटू क्यू तो यहाँ पे एन क्या होता है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स और अगर दो इवेंट है तो पी क्या होता है इवेंट पी के होने की प्रोबेबिलिटी और क्यू है इवेंट क्यू के होने की प्रोबेबिलिटी तो लेट से यहाँ पे अगर ग्रीन बॉल्स है तो ग्रीन बॉल्स लेट से बोलता हूँ इवेंट पी है तो इवेंट पी के होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी टोटल ग्रीन बॉल्स है 15 और टोटल बॉल्स कितनी है 25 तो 15 अपॉन 25 विच इज इक्वल टू 3/5 एंड सिमिलरली जो q है q की वैल्यू क्या है इट इज इक्वल टू 10/25 क्योंकि येलो बॉल्स कितनी है 10 है तो इट इज इक्वल टू 2/5 तो वेरियंस की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां से अगर हम देखेंगे फॉर ग्रीन बॉल्स सो वेरियंस इज इक्वल टू व्हाट इज n n इज इक्वल टू 10 अब 10 है इंटू पी की वैल्यू आ जाएगी 3/5 इंटू क्यू इज 2/5 सो वी कैन कट डाउन 10/5 इज 2 एंड नाउ दिस इज इक्वल टू 3 × 2 इज 6 6 × 2 इज 12 तो दिस इज इक्वल टू 12/5 सो वेरियंस इज इक्वल टू 12/5 सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 12/5 सी इस क्वेश्चन में हमारे पास में सिर्फ दो टाइप्स की बॉल थी इसलिए दैट्स वाई P और Q की हमने प्रोबेबिलिटी ली अदरवाइज हम क्या करते हैं यहाँ पे P लेते हैं और यहाँ पे 1 - P लेते हैं लेकिन यहाँ दो ही टाइप की बॉल थी तो इसलिए हमने P एंड Q ले लिया